आधार कार्ड साडे देश दा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज नू एक आईडी प्रूफ वजो स्वीकार किया जाता है, पर तुहानू ये जानकारी सांझी करनी अते ये गल नू दसना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि हर 12 अंकों का नंबर आधार नहीं है। जी हाँ, ये अहम खबर है ते अहम जानकारी है जो असीं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लोग काफ़ी ज़्यादा यकीन करके दूसरे की आधार नंबर आईडी के उत्ते यकीन कर लेंगे ने 12 अंकों नू देख के, पर तुहानू दस दईए कि 12 अंकों का नंबर आधार नहीं है। नाल दे नाल तुहानू दस दईए कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति नू नौकरी दे उत्ते रखता है या फिर उसनू नौकरी दिंदा है या घर दे विच किसी किराएदार नू या कर्मचारी नू रखता है, तो सब तो पहला उसका आधार कार्ड का आईडी नंबर मंगया जाता है। तो जो व्यक्ति अपना आधार कार्ड का आईडी नंबर दे दिंदा है तो अक्सर अगों लोग जिहड़े ने उसके आधार कार्ड की आईडी नंबर नू देख के यकीन कर लेंदे ने, पर अजिहा नहीं करना चाहिए। दरअसल की होंदा है कि हर 12 अंकों का नंबर आधार नहीं है, जेकर तुसी भी अजिहे भुलेखे दे विचो तां इह भुलेखा हुण कढ देना तुहाडे लई सब तो ज़्यादा वधिया रहेगा। जेकर तुसी भी अजिहे किसी विपता दे विच पए हुए हो तां इस विपता चों निकलण दे लई असीं तुहानूं इक अजिही चीज़ बारे दसन जा रहे हैं जिथों की तुसी पता लगा सकते हो कि ये आधार नंबर आईडी सही है या फिर व्यक्ति गलत है। जी हाँ, आखिरकार वो केड़ी वैबसाइट है जिथे तुसी साइट ते जाके उस आईडी बारे पता लगा सकते हो ते किवें पता लगा सकते हो, आओ जानते हैं इसकी प्रक्रिया के बारे। दस दईए कि UIDA नाम की एक साइट है जिसके उत्ते किसी भी व्यक्ति के आधार नंबर की पुष्टि करन की सहूलत प्रदान करता है। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है अते इसलिए तुहाडे तो कोई फीस भी नहीं ली जाती। असीं तुहानू दस दईए कि आखिरकार इसकी प्रक्रिया किवें है। सब तो पहला ये आता है कि सब तो पहला UIDAI.government.in ते जाओ। दूसरा, माई आधार सैगमेंट ते आधार सैगमेंट सैक्शन ते वेरीफाई आधार नंबर ते क्लिक करो। तीसरा, हुण नवे खुले पन्ने ते उत्थे मौजूद आधार नंबर अते सुरक्षा कोड दर्ज करो अते वेरीफाई ते क्लिक करो। यानी कि जो आधार दा कार्ड दा जो आईडी नंबर होवेगा उसनू उत्थे भर दिओ अते फिर वेरीफाई दे लई उसनू क्लिक कर दिओ। इस तों बाद जेकर तुहाडे द्वारा दर्ज किया गया 12 अंकां दा नंबर आधार नंबर है अते इसनू डीएक्टिवेट नहीं किया गया तो वैबसाइट पर तुहाडे आधार नंबर के मौजूद अते कार्यशील होने की स्थिति दिखाई जाएगी। यानी कि जेकर वैबसाइट के उत्ते पाया गया 12 अंकों का नंबर यानी कि आधार नंबर डीएक्टिवेट नहीं हुआ, यानी कि व्यक्ति सही है अते उसका आईडी नंबर भी बिल्कुल सही है। इस नाल तुहानूं पता लग जाएगा कि तुहानूं दिता गया आधार आईडी जिहड़ा आ उह बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। UIDAI.government.in ते इस साइट ते जाके तुसी किसे भी व्यक्ति दी आधार कार्ड दी आईडी नंबर दा पता लगा सकते हो कि ए व्यक्ति सही है या फिर गलत। ता अगे तो जेकर तुसी भी किसे कर्मचारी नू या किराएदार नू अपने घर दे विच रख रहे हो, जेकर किसे व्यक्ति नू नौकरी दे रहे हो, ता ए खास जानकारी उना दे लई है कि तुसी इस साइट ते उत्ते जाके यानी कि UIDAI.government.in ते जाके किसे भी व्यक्ति दी 12 अंकां दे नंबर वाली आधार आईडी नू तुसी उत्थे पा के पता लगा सकदे हो कि ए व्यक्ति सही है या फिर गलत।